नमस्कार, द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हम बात करेंगे कान नाक गले से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको लेकर। नेहा ईएनटी एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ईएनटी काफी जब नाम सुनते हैं तो जैसे कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, काफी सेंसिटिव चीजें होती हैं इसके अंदर, और इनकी जो बीमारियां होती है वो काफी परेशान भी करती हैं। तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे कान से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसको लेकर। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं सर जो कॉमनली जो मरीजों में सबसे ज्यादा कान से जुड़ी हुई वो देखने को? देखिए, अगर हम यंग एज ग्रुप्स की बात करें तो छोटे बच्चों में प्रायः कान बहने वाली जो बीमारी होती है उसमें एक भ्रांति होती है कि कान छोटे बच्चे का बह रहा है, मतलब दांत निकल रहा है उसकी वजह से है। पर वो नॉर्मली कान के पर्दे का कोई इन्फेक्शन होता है जो या तो दूध पिलाते वक्त गले से दूध कान में गया और उसने कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम किया, या पानी लगने से या जुकाम लगने से वो पर्दे में कोई सुराख होके पानी निकल रहा है। अब इस एज ग्रुप में यदि हम उसको पहले दिखा लें और डॉक्टर का परामर्श ले लें और उचित इलाज करें तो वो कान के लीकेजेस यंग एज ग्रुप में बंद हो जाते हैं, पर हम छोड़ देते हैं तो वो आगे चल के कान के पर्दे की बीमारी बनाते हैं। सर, कई बार बच्चों के अपने कान की बात की है तो घर में जो मदर होती है या फादर होते हैं, घर का कोई भी सदस्य होता है, तो कई बार बच्चे के कान साफ करने की वो कोशिश करता है, उसमें कितना रिस्क है और कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, कान अपना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। कान स्वतः ही क्लीन होता है, जैसे अपने शरीर के दूसरे अंग क्लीन होते हैं वैसे ही कान क्लीन होता है। जानवरों को कान क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कहाँ से ईयरबड्स लेके आते हैं। तो ईयरबड्स करना, हम पहली चीज़ ना कान साफ कर सकते और ना कान साफ करना चाहिए। ईयरबड्स इस्तेमाल करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कान का वैक्स बाहर नहीं आके कान के अंदर जाके और जमा हो जाता है, और अगर गलती से भी इधर उधर टच हो गया तो कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, मदर कान साफ कर रही थी और हाथ कहीं टच हुआ और पर्दे में छेद हो गया। तो कान साफ करना नहीं चाहिए, आपको दिक्कत लगे अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सर, कान साफ करने की बात की, डिजिटल युग है, मोबाइल सबके हाथ में आजकल रहने लगा है, उसके साथ साथ आजकल वो ईयरबड्स जो कान में म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन्स लगाए जाते हैं, ये भी बहुत खतरनाक क्या साबित हो सकते हैं? देखिए, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आप ईयरफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो 20-25 साल बाद मशीन लगाने की तैयारी कर लेना। रीज़न क्या होता है, हमारे जो शरीर में जो पिना, जो ये वाला भाग और कान की जो कैनाल है, उसकी रचना ऐसी करी हुई है कि जो हार्मफुल साउंड्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑफ हो जाते हैं। अब हमने इन दोनों का रोल ख़त्म करके सीधा ईयरफोन लीड कान के पर्दे के पास जाके और हाई एंड म्यूजिक लगा दिया, तो आपकी सुनने वाली जो नसें होती है, कॉकलिया जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स आगे उस करंट को ट्रांसफर करते हैं नसों में, वो हेयर सेल्स डैमेज होते हैं और उनका डैमेज इरिवर्सिबल लॉस होता है। सो इसको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको मजबूरी है कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे यूज़ करना है, तो केवल और केवल लिमिटेड समय तक यूज़ करें, उसके बाद कभी यूज़ ना करें। सर, एक चीज़ और कॉमन जो समस्या है आजकल देखने को मिलती है कान से जुड़ी हुई, अचानक कई बार जो वयस्क होते हैं उनके कान में सीटी बजने की एक आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगती है, क्या कारण है और सर ये कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर डॉक्टर से संपर्क नहीं किया जाए, उपचार नहीं लिया जाए, तो फिर किस तरह की समस्याएं हो सकती है? देखिए, सीटी बजना अगर वयस्क एज की बात करें तो उसके जो सबसे कॉमन कारण होता है वो सुनाई देने वाली नस में कमजोरी पैदा होना, उसका पहला सिग्नल होता है कि हमारे कान में एक रिंगिंग साउंड सुनाई देने लग जाती है। दूसरा एक कारण होता है कान में अगर वैक्स जमा हो या जुकाम की वजह से कान में पानी भर गया हो, बट सबसे कॉमन कारण ये होता है। तो उसके लिए तो एक ही तरीका है, डॉक्टर के पास जाके दिखाना होता है, अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो हियरिंग टेस्ट जिसे ऑडियोमेट्री कहते हैं वो करते हैं और फिर हम निष्कर्ष पे आते हैं कि कारण क्या है।
सर कान की हमने बात की, मुंह की बात करें तो आजकल सुपारी, गुटखा, जो खैनी ये खाई जाती है, बेसिकली अवेयरनेस लगातार बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स भी लगातार कहते हैं कि कैंसर का खतरा होता है, लेकिन क्या अभी भी इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? ये तो बढ़ते जा रहे हैं, और पहले हम बुजुर्गों में देखते थे, अब तो 15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों में भी बहुत कॉमन है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये बीमारी कैंसर की बड़ी एज ग्रुप की है, या बिल्कुल गलत है। मेरे पास भी बच्चे आए हैं जिनके 18 साल, 20 साल और मुंह के कैंसर हुए हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहले शुरुआत आपको SMF करके तकलीफ होती है, मुंह की चमड़ी कट जाती है अंदर से। पहला लक्षण आता है आपको खाने में मिर्च लगने लग जाती है, और सेकंड आपका मुंह खुलने में कुछ परेशानी शुरू हो जाती है। जहां पर ये दो लक्षण आ गए, आपके लिए वो एक रेड सिग्नल है, आपने समझना है कि मुझे इसको बिल्कुल खत्म करना है। क्योंकि इस स्टेज पर भी अगर आप छोड़ते हैं तो भी आपके शरीर को, मुंह की स्किन को रिकवर होने में 8 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, इनिशियल स्टेजेस में छोड़ने के बाद भी। और एक बार अगर बीमारी बनना शुरू हो गया, उसका प्रोसेस शुरू हो गया, फिर आप इसको रोक ही नहीं सकते। फिर चाहे आप छोड़ें चाहे ना छोड़ें, फिर तकलीफें आपके घर पे घुसी गई हैं, मान के रखिए। बिल्कुल सर, आपने बताया कि किस तरह से ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चों में एक चीज़ कॉमन आजकल सर देखने को मिल रही है, टॉन्सिल से जुड़ी एक जो समस्या है, एडेनोइड्स की भी एक जो समस्या है, वो बच्चों में देखने को मिलती है, तो किस तरह की समस्या होती है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? देखिए, टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स, ये दोनों अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो छोटा भाई बड़ा भाई। एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। एडेनोइड्स नाक के पीछे होगा, टॉन्सिल्स आपको पता ही है गले के अंदर होता है। एडेनोइड्स के सबसे पहले लक्षण, बच्चा जब सोएगा तो उसको नाक से सांस नहीं आएगा, वो नाक को पीछे से बंद कर देता है, मुंह खोल के सोएगा, खर्राटे आएंगे, कान से सुनने में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। अगर आप बहुत अवेयर हो, आप टीवी देख रहे हो, आपका बच्चा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगर पीछे की सीट पर बैठा है तो वो बोलेगा कि मुझे मैडम पढ़ाती हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि शायद ये एडेनोइड्स जो नाक के पीछे बढ़ गए हैं वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। सिम्टम्स भी आते होंगे सर बच्चों? सिम्टम्स यही खर्राटे आना, मुंह खोल के सोना, कान में दर्द होना, ऊपर के दांत के शेप चेंज हो जाना, ये नाक के एडेनोइड्स हैं। गले में टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल का दर्द होना, टॉन्सिल का पकना, बुखार होना, ये सारी चीज़ें। अब इनको जितनी अर्ली स्टेज पर ट्रीट कर दिया जाए, या तो मेडिकली या सर्जिकली, जैसे आपके डॉक्टर को उचित लगे, उतना बेहतर। क्योंकि आगे चल के टॉन्सिल की अगर हम बात करें तो टॉन्सिल के सर्जरी के अंदर तकलीफें आफ्टर सर्जरी, जैसे जैसे एज बढ़ती है तकलीफें बढ़ती हैं, तो बेहतर ये रहता है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसको अगर रिक्वायर्ड है तो ऑपरेट करा। सर, जैसे बच्चे की उम्र छोटी है और अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो कितने समय के अंदर इसको रिमूव कराना जरूरी हो जाता है? देखिए, ये एज ग्रुप डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। मैंने मेरे लिए जो प्लान जो मैं करता हूँ, एडेनोइड्स नॉर्मली मैं 4 ईयर्स प्लस ऑपरेट करने की सलाह देता हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है, यस, 3 साल वाले बच्चे भी हमने ऑपरेट किए हुए, वो बच्चे ऐसे थे कि जिनको रात को सुलाने के लिए 2-2 तकिए लगा के सुलाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो सर, इसमें ये भी डर लगता है कि छोटा बच्चा है, ऑपरेशन होगा तो किसी तरह का कोई दर्द होगा, ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस तरह का एडवांस अब जो है इलाज जो ENT को लेकर हो चुका है। देखिए, ENT में सबसे बड़ी जो एडवांसमेंट आया है वो एंडोस्कोप, दूरबीन जिसे हम बोलते हैं, उसने हमारी सर्जरी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो एडेनोइड्स पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे वो ब्लाइंड सर्जरी होते थे, हमको एडेनोइड्स दिखते नहीं थे, मुंह खोल के और उसको रिमूव करते थे। अब तो एंडोस्कोपिक और आजकल डिब्राइडर और कॉबलेटर नाम की मशीनें हैं, जो हम दूरबीन डालते हैं, हमारे को सामने एडेनोइड्स दिखता है, वो डिब्राइडर कॉबलेटर उसको छोटे छोटे पीसीज में हटा देता है, बर्न करके रिमूव कर देता है। नॉर्मली डे केयर सर्जरी होती है, सुबह ऑपरेट करो, शाम को घर भेजो, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। टॉन्सिल में भी
कॉबलेटर के आने के बाद में जो ब्लीडिंग, जिस जो सबसे बड़ा डर होता है टॉन्सिल के ऑपरेशन का, ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। हम ये नहीं बोलते जीरो हो जाते हैं, बट कंसिस्टेंटली कम हो जाते हैं। अगर एज ग्रुप ज़्यादा हो, जैसे अगर 20-25 साल उस एज में अगर ये रिमूव कराया जाता है तो कितना खतरनाक हो सकता है? पर्सनली यस, अगर 20-25 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप होता है तो आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फाइब्रोज हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। तो आपकी सर्जरी के बाद जो ब्लड वेसल्स होती है, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर जानी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होती है। टॉन्सिल का एक ही ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होना। अगर होती है तो वो कई बार बहुत रिस्की होती है, कई बार पेशेंट की लाइफ में भी खतरा आ सकता है। इसलिए पर्सनली एडवाइजेबल है, अगर पेशेंट एक्चुअली डिजर्विंग है टॉन्सिलेक्टमी का, जो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपके लक्षण डिसाइड करेंगे, तो हम 75 years प्लस की एज में सेफली करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चों की हमने बात की, लेकिन बड़ों में भी जो एक गले के अंदर जो थायराइड की समस्या है वो कई बार देखने को मिलती है, इसको लेकर किस तरह के सजेशंस आप देना चाहेंगे? देखिए, थायराइड में दो तरह की समस्याएं लेके पेशेंट होते हैं। एक थायराइड की बीमारी होती है जिसमें हॉर्मोन्स आपके लेवल पे नहीं होते हैं। फिजिशियंस या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। हमारे पास एज ए ENT सर्जन पेशेंट जब आता है, जब उसके थायराइड की ग्रंथि में गांठ हो, और उस गांठ में जब हम टेस्ट करके देखते हैं तो हमारे को हार्मोन लेवल यदि नॉर्मल है, फिर हम एक FNAC करके टेस्ट कराते हैं, जिसमें एक बारीक सी नीडल से हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी बीमारी की गांठ है, और फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। और अब तो सर्जरीज सब एडवांस हो गई हैं, तो कोई डरने वाला, घबराने वाला ऐसा कोई चीज़ अभी उसमें न होती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी। ENT से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उपचार हैं, किस तरह की नई तकनीकियां अब आ चुकी हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, निश्चित तौर पर उसका जो जवाब है उसको आप, वो जवाब आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।